तो यार जो जो मन में सोच के रखे थे कि टिकटॉक वो अनइंस्टॉल नहीं करेंगे, तो उनको मैं बता दूं कि अभी दोस्तों अगर आप टिकटॉक अपना ओपन कीजिएगा तो गाइस आपको कुछ इस तरह का आपको एक नोटिस आएगा। उसके बाद आपको गाइस यहाँ पे आपका जो नेटवर्क कनेक्शन नहीं है ऐसा आपको बताएगा। तो यार मैं आपको बता दूँ कि टिकटॉक अभी भी अगर आपके फ़ोन में इंस्टॉल है तो प्लीज़ आप उसको अनइंस्टॉल कर दो, इसी में दोस्तों हम सबकी भलाई है। तो यार मैं आपको बता दूँ अभी गाइस आपकी स्क्रीन पर दोस्तों वीडियो में प्ले करूँगा, आपको मैं कुछ इस तरह का वीडियो बनाना सिखाने वाला हूँ। Hi. How are you? I'm fine. आप कितना पढ़े हो? आपके जितना? मेरी जितना मतलब? मैं भी इतनी इंग्लिश बोलने के बाद हिंदी पे आ जाता हूँ। तो यार आपको अगर कुछ इस तरह का दोस्तों वीडियो बनाना सीखना है तो यार मेरे इस वीडियो को आपको थोड़ा सा ध्यान देके देखना होगा। आज के इस वीडियो में गाइस मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से आपको कुछ इस तरह का वीडियो बनाना सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, तो वीडियो को आपने अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो यार सोच क्या रहे हो, वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दो, क्योंकि तुम्हारे एक लाइक की वजह से तुम्हारे भाई में दोस्तों वीडियो बनाने का एनर्जी भर भर के आता है। तो गाइस आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी थोड़ा सा वीडियो शेयर कर दे। तो यार मैं आपको बता दूं, आप अगर मुझे नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है विद्युत और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल जे एस आर कौंडा में। कैसे अगर आप मुझे बकते हुए पहली बार सुन रहे हो या फिर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो आपको इसी वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके आप वहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर ले ताकि मैं कुछ भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा। अब दोस्तों बिना किसी तरीके चलिए वीडियो पर स्टार्ट करते हैं। इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, देख सकते हैं यहाँ पर गाइस मैं कुछ इस तरह से लिपसिंग करके वीडियो को शूट कर रहा हूँ। अभी गाइस कुछ इसी तरह से लिपसिंग करके वीडियो को शूट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका एडिटिंग सॉफ्टवेयर है काइन मास्टर उसको बस आपको ओपन करना होगा। तो यार चलिए अपने काइन मास्टर को ओपन कीजिए, मैं जाकर वहाँ पर आपको आगे का प्रोसेस बताऊँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरे स्मार्टफोन के काइन मास्टर एप्लीकेशन है उसको मैंने ओपन करके रखा है। अब आपको जो बीच में यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा इस वाले न्यू प्रोजेक्ट में आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर गाइस आपको 9:16 एस्पेक्ट रेशियो में सिलेक्शन करके अपना काइन मास्टर एप्लीकेशन का आपको ओपन कर लेना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा काइन मास्टर एप्लीकेशन है उसको मैंने ओपन कर लिया है। अब दोस्तों आपको क्या करना होगा, जो आपको राइट साइड में यहाँ पर मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं इस वाले मीडिया फ्रेंड्स आपको क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा। और यहाँ से गाइस जैसा मैंने बिहाइंड द सीन मेरा वीडियो को शूट करके आपको दिखाया है, आप दोस्तों जो अपना वीडियो शूट किए उस वाले वीडियो गाइस आपको सिलेक्शन करना होगा। मेरा दोस्तों जो रिकॉर्डिंग किया वीडियो है उसको मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा रिकॉर्डिंग किया वीडियो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। सबसे पहले दोस्तों आप क्या कीजिएगा, आप अपने वीडियो के ऑडियो का आप कुछ इस तरह से म्यूट कर लीजिएगा। म्यूट कर लेने के बाद दोस्तों आपको अपने वीडियो में कुछ इस तरह फर्स्ट तरफ आपको आना होगा। अब गाइस आपको क्या करना है, आपको इसी वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है जहाँ पर गाइस मैंने उस लड़के का दोस्तों जो ग्रीन स्क्रीन का वीडियो है उसको देख के रखा है। आपको गाइस उस वाले वीडियो को आपको डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करके दोस्तों आपको उस फाइल को सिलेक्शन करने के लिए क्या करना है, आपको दोस्तों जो राइट साइड में यहाँ पे लेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं इस वाले लेयर में आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं कुछ इस तरह के 5 ऑप्शन आपके सामने आएंगे। यहाँ पर गाइस जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मीडिया का, आपको इसी वाले मीडिया में क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा दोस्तों। और यहाँ से गाइस आपको ग्रीन स्क्रीन वाला जो वीडियो है उसको फ्रेंड्स आपको सिलेक्शन करना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब गाइस आप क्या कीजिएगा, आप इस वाले एरो में पकड़ के कुछ इस तरह से इसको फुल स्क्रीन में कर दीजिएगा। फुल स्क्रीन में कर लेने के बाद गाइस आप अपना वीडियो को थोड़ा स्लाइड कीजिएगा तो गाइस आपको यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन दिखेगा देख सकते हैं। आपको दोस्तों इस वाले ग्रीन स्क्रीन को आपको रिमूव करना होगा। इसको रिमूव करने के लिए गाइस जो आपको राइट साइड में ऑप्शन सब दिख रहा होगा देख सकते हैं, इसी ऑप्शन के बीच आपको यहाँ पर एक कोरमाके का ऑप्शन दिखेगा। आपको दोस्तों इस वाले कोरमाके में क्लिक करके आपको गाइस यहाँ पर जो की कलर सिलेक्शन करना है और गाइस पहले आप इस जगह पर सिलेक्शन कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह से आपको सिर्फ ग्रीन कलर को बढ़ा लेना होगा और आपको यहाँ से ओके करके आपको इसको इनेबल कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे इनेबल करेंगे आपका दोस्तों जो वीडियो है कुछ इस तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप अगर अपना वीडियो को दोस्तों अगर आप प्ले करके देखोगे तो आपका वीडियो अभी कुछ इस तरह से दिखेगा देख सकते हैं। Hi. How are you? I'm fine. आप कितना पढ़े हो? आपके जितना? मेरी जितना मतलब? मैं भी इतनी इंग्लिश बोलने के बाद हिंदी पे आ जाता हूँ। तो यार इस तरह से आप बहुत ही आसान से स्टेप को फॉलो करके आप कुछ इस तरह का वीडियो आप बना सकते हो। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको दोस्तों जो राइट साइड में शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा इस वाले शेयर में आपको क्लिक करना है और आपको अपना फाइल को एक्सपोर्ट कर लेना होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए और गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख ही रहा होगा। अब दोस्तों बिना किसी देर के चलिए वीडियो पर अभी एंडिंग लगाते हैं।